ये जगत का स्वरूप है। हमें अपना मकान अच्छा नहीं लगता, अपनी गाड़ी अच्छी नहीं लगती, अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती, अब कुछ अच्छा नहीं लगता। क्यों? ये सब तो है, सब सब अंतर समझ में आया। और प्रश्न ये है, मजेदार बात है कि यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा दुख है कि जो है उसमें सुख तुम्हें दिखता नहीं, और जो नहीं है उसमें सुख दिखता है। और जिस दिन वो नहीं वाला भी है हो जाएगा, उसमें सुख खत्म हो जाएगा। बताओ इस प्रकार के चले तो सुख कब मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। ये तो तुमने सिद्ध कर लिया ना कि ऐसा तो कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब जैसा है जो है उसमें सदा। देखो भाई, इस पर्याय में रहने कितना दिन है। बाहर में भी आनंद से रहो और अंदर में भी आनंद से रहो। हमें नहीं कह रहे कि बाहर में दुखी रहो, क्योंकि बाहर में दुखी रहोगे तो अंतरंग का आनंद कभी नहीं भोग पाओगे। ये भी समझ लो, बाहर में प्रसन्न रहना देवेंद्र जी बहुत जरूरी है। समझ गए? रोतो रोतों को नहीं मिलता जी आत्मावाद। रोते रहते हैं, जो लटकाए चेहरे घूमते रहते हैं, बुझ गए चेहरे धर्म के नाम पर। चेहरे पर रौनक होनी चाहिए, उसको मिलता है आत्मा। पता नहीं लोगों ने धर्म को ऐसा समझ लिया, मरे मरे से रहो तो उनको लगता है सम्मिशन हो जाएगा। समझ गए नहीं समझ गए? ये जो मरिया मरिया से जो मरे मरे से रहते, कुछ नहीं मिलता इनको। अंदर भी रोते हैं, बाहर भी रोते हैं, क्योंकि जिनको असली स्वरूप है वो बाहर भी आनंद में रहते हैं। वो घबराते बबड़ाते नहीं, क्या घबराना। ये भजन लिखाना ज्ञानी ने तो लिखा, हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अब भय किस बात का? पता है जितने दिन रहना है रहेंगे, जब निकल रहे तो जितने दिन रहना है शांति से रहेंगे, जो मिला उसमें मस्त रहेंगे, जो नहीं मिला उसकी इच्छा छोड़ देंगे। लोग ख्याल में आए कि नहीं आया? देखो भाई साहब, बाहर में सुखी रहना है तो यही मंत्र है, और अगर बाहर में तुम ये मंत्र नहीं अपनाओगे तो अंदर अंदर नहीं जा पाओगे। क्यों? कि जिनके बाहर इतना दुख है वे बेचारे उसी दुख में ही दूर करने में लगे रहेंगे, अंदर जाएंगे कब? नहीं समझ में आया? मेरे पास साइकिल है, मेरे पास स्कूटर नहीं है, और मेरी स्कूटर लेने की इच्छा है, तो वो स्कूटर लेने की इच्छा मुझे ध्यान नहीं करने देगी, क्योंकि मैं ध्यान करने बैठूंगा मुझे स्कूटर की याद आएगी। और अगर मैंने ये निर्णय कर लिया कि स्कूटर को आना हो आए, नहीं आना हो नहीं आए, अपने को कोई टेंशन नहीं, वो साइकिल में ही मस्त है। अब तुम ध्यान करने बैठोगे तो कर पाओगे कि नहीं? छोटे मकान से बड़े मकान बनाने की इच्छा है। जो लोग कहते ना हम सब आत्मा का ध्यान करने बैठते ना, तो ना जाने क्या क्या बातें याद आती, वही बातें याद आती जिनको तुम ज्यादा चाहते हो। और क्या है वो? क्या है? इतनी बात हमारे निर्णय में आ जाए, देखो अब भी आनंद आएगा, ऐसा आनंद आएगा पूछो।